गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट हिंदी और बुक का नाम है बाल महाभारत कथा। इस महाभारत कथा में हम इसके तीसरे पार्ट को और इसमें तीसरे और चौथे पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें सभी पार्ट का अलग अलग अभिनय बताया गया है इसमें कि किस तरह से उन्होंने किसका क्या वो था उनका। अब इसमें हम अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इनके बारे में क्या बताया गया है महाभारत में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर और परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वह मारे गए और उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। और विचित्र वीर की आयु उस समय कुछ छोटी थी, बहुत छोटी थी, और इस कारण उनके बालिंग होने पर यानी उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। इसमें सभी की के बारे में बताया गया है। और जब विचित्र वीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। और यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयं स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और देश विदेश के उनके राजकुमार यानी उस स्वयंवर के अंदर देश विदेश के सभी राजकुमार आए, भाग लेने के लिए आए थे। और राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, यानी सबको अपनी अपनी इच्छा थी। और क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी और उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। यानी उन्होंने जो त्याग और जो भीषण प्रतिज्ञा की थी उसके लिए वो सभी उनको उस बारे में जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि यह वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म पिता ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। यानी वो उनकी नाम लिखाते ही वो सब निराश हो गए कि उनको क्या पता था कि द्रणवती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फतियाँ कसी जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म अपने बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब है। यानी ये तो बुद्धिमान और विद्वान भी हैं लेकिन इनका स्वयंवर में क्या काम है इनका, ये सब कहने लगे वहाँ पे जो आए हुए थे। और उनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने होने की प्रतिज्ञा की थी। यानी उन्होंने ऐसे सोचा सबने कि जो भीष्म पितामह हैं वो अपने स्वयंवर के लिए आए हैं। और लोग वह उनके बारे में अनेक तरह के विचार करने लगे कि जीवन जो ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह सब झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना से सी करके आगे की ओर चल दिए। भीष्म इस अवहेलना को सहन ना कर सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा कर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौंभ देश का जो राजा था साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं का की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। और भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारियाँ हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली कि गंगाए, मैंने अपने मन में सौभ देश के राज साल्व को अपना पति मान लिया था
और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक वहाँ यहाँ ले आए और मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें वो आप करें। आगे भीष्म को अम्बा की बात जची और उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा के तीनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत पर सौमराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माना और उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए और इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्मा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म के सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर से कहा कि बस, राजा साल्व अम्मा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्मा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब इसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र वीर अम्मा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। बेचारी अम्मा ना इधर की रही ना उधर की और कोई और रास्ता ना दिख, वह भीष्म से बोली कि गंगाए, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप भी मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। तो भीष्म ने अपनी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा के याद दिलाकर बोले कि अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र पूर्व पीर से दोबारा आग्रह किया और पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व से ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन दूसरे ही की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने सौभराज के साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंभ देश के बीच ठोकरें खाती रही फ्री और उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उस पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने के लिए इच्छा से वह कई राजाओं के साथ पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म ने युद्ध करके उसका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से डरते थे, किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म को युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर के अम्मा ने तपस्वी ब्राह्मण को शरण ली और तपस्वियों ने कहा कि बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्मा परशुराम के पास गई और अम्मा की करुण कहानी सुनकर के परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा कि काशीराज कन्ने, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्मा ने कहा कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप मुझे भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। आगे परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और उसे उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या से जानकर भी दोनों ने जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे और समान योद्धाओं की टकरार थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से
कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। और जब कौरवों और पांडवों के बीच जब कुरुक्षेत्र में मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध खड़े होकर के शिखंडी रथ के आगे, यानी युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन के ठीक पीछे, उसके पीछे ज्ञानी भविष्य को, भीष्म को यह पता बात मालूम थी कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा से विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उस पर विजय प्राप्त की। और जब भीष्म आहत होकर के पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। अब इसमें चौथा जो पार्ट है, इसमें ये विदुर के बारे में बताया है इसमें महाभारत के, कि महाभारत में विदुर का क्या कार्य था। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी थी कि कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था और वह ही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रख्यात हुए और धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रय से थे और क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया था कि हे राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता है। उन्होंने धृतराष्ट्र से विदुर ने ये बात कही और इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। और धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया और बड़े प्रेम के साथ वह बोले कि गदाधारी, गांधारी के लाल, यानी गांधारी धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, और उसको कहा कि गांधारी के लाल यानी गांधारी के पुत्र विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है आया है और उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है, बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य की नाश का कारण भी हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। और धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे और अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध आगे वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला और जो विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने के लिए जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले कि चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है, यानी युद्ध और खेल के लिए अगर बुलाया जाता है तो ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो नहीं जाए। और यह कहकर के युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। थैंक यू।